नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में। सो जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक काफी वाइटल रोल प्ले कर रही है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं उसके बारे में बात करता हूं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स, रिटेल पार्टिसिपेशन जो बहुत ही छोटा है कैपिटल मार्केट्स में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स। उसके बाद हम बात करेंगे इश्यूज फॉर इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे सेशन का। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो स्टॉक मार्केट में है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, और हम एक वन ऑफ द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन स्मॉल केस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये आपको बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस में प्रभावित करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट बोरोइंग कॉस्ट को लोअर करने में हेल्प करता है। ये लेंडर्स से बोरोअर्स की तरफ पैसा ट्रांसफर करने में, एलोकेट करने में हेल्प करता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। एक अनुमान के मुताबिक 72% ऑफ यूएस इकॉनमी की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे कैपिटल मार्केट सपोर्ट करता है थ्रू डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम देखें इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है, उनकी जो 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 स्टॉक मार्केट है इंडिया का, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। जबकि आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल, इन तीनों कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू इससे डबल से भी ज्यादा, $6.5 ट्रिलियन है। इंडिया में जो कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर्स का वो 6% है, वर्सेस यूएस में कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स का 55% है। इंडिया में खाली 6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं ऑफ द इन्वेस्टर्स वर्सेस अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 130 करोड़, जो बहुत ही कम है। मतलब आप देखेंगे तो पिछले एक साल में ही 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। सो बहुत सारे यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट्स में निवेश करने आ रहे हैं। सो एक ये काफी चर्चा का विषय हो जाता है कि हम कैसे मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। सो हम चलिए देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। सो एक निवेशक अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, वो पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इन तीन टॉपिक्स के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे। इसके अलावा वो रियल एस्टेट या गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको रियल एस्टेट में कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड के ETFs होते हैं, उसके बेसिस पे आप कैपिटल मार्केट्स में रियल एस्टेट या गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। सो फिक्स डिपॉजिट एवरेज, हम किसी बैंक को फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसा देते हैं यूजुअली, ऑन एन एवरेज ये आपको 4-5% का रिटर्न देता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अगर आप इंडिया में इन्फ्लेशन देखें तो 6-7% तक का इन्फ्लेशन रहता है नॉर्मली। सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रिटर्न्स हैं फिक्स डिपॉजिट में आज की डेट में काफी कम है और वो नेगेटिव है। फिक्स डिपॉजिट में प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि वहां पे डिफॉल्ट रिस्क का खतरा है। जैसे अगर कोई बैंक जिसको आपने फिक्स डिपॉजिट दिया वो अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो वो आपका पैसा एक लिमिटेड अमाउंट तक ही सुरक्षित है। इसके अलावा टैक्सेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, ये आपके स्लैब रेट पे होता है जो अनुमान 10-30% के रेंज में रहता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स देखें तो एक निवेशक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें
यूजुअली म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. यूजुअली म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न्स ज्यादा देखे गए हैं. म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. मोर देन 40 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं इन इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड. इक्विटी में जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होते हैं. ओवर 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है. जैसे हम किसी की भी बात करें, जैसे HDFC AMC, SBI AMC, कोटक AMC एक्सेट्रा. इसमें म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एज लो एज 1000 रुपीज या एज लो एज 5000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है फॉर अ स्टार्टर टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स. अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एक कंपैरेटिवली जो हायर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट्स में, जैसे 50 लाख के अबव, उनके लिए होता है, जहां पे सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देते हैं. वो आपके नाम पे डीमैट अकाउंट खोल के आपके बिहाफ पे इन्वेस्टिंग करते हैं, आपके गोल्स एंड फ्यूचर गोल्स एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग. सो यहां पे अनुमान जो रिटर्न देखे गए हैं वो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा देखे गए हैं. इंडिया में अराउंड 362 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब हम जानते हैं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कैपिटल मार्केट में क्या क्या इश्यूज होते हैं. एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए इशू जैसे आपको अच्छी क्वालिटी रिसर्च नहीं मिल पाती. अगर मैं एक लेमैन हूं, अगर मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे को एक अच्छी क्वालिटी रिसर्च नहीं मिल पाती. मुझे अच्छे प्रोफेशनल नहीं मिल पाते जो मेरे लिए पैसा मैनेज कर सके, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च प्रोफेशनल्स बहुत कम है. सेबी के काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं रिसर्च प्रोफेशनल्स को अप्रूव करने के लिए. उसमें कुछ नेटवर्थ चाहिए होती है, कुछ आपको उसके अलावा आपको कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, आप कुछ एग्जामिनेशंस आपको क्लियर करने पड़ते हैं, आपका कुछ प्रॉपर सेटअप होना चाहिए रिसर्च का, तभी आपको लाइसेंस मिलता है. तो इंडिया में अगर आप देखेंगे रिसर्च एनालिस्ट अराउंड 1000 के करीब रिसर्च एनालिस्ट है, अराउंड 1000 के करीब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, और अराउंड 300-350 के करीब पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं. ये काफी एक चिंता का विषय है और जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को होता है. उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल, जो आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में उसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कई बार, और कई बार आपको पैसा किसी और को देना पड़ता है मैनेज करने के लिए, आपके कंट्रोल में वो पैसा नहीं रहता. वो एक चैलेंज आता है इन्वेस्टर को. कई जगह जैसे PMS में हमने बात करी कि 50 लाख का मिनिमम टिकट साइज है, तो ये एक इशू है इन्वेस्टर्स के लिए कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है. कई जगह कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप SIP या रेगुलरली निवेश नहीं कर पाते, तो SIP की अनफ्रेंडलीनेस होती है. इन चीजों को टैकल करने के लिए सबसे क्योंकि आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, 6 करोड़ है, वो भी हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हालांकि कम है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो उनके मुकाबले जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो बहुत ही कम है. तो उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रोफेशनल सर्विसेज दे पाए. बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में आ गए हैं जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में. जैसे हम बात करें स्मॉल केस, एक प्लेटफॉर्म है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को या HNI इन्वेस्टर्स को प्री क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज प्रोवाइड कराता है ऑफ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स. ऐसे ही ग्रो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं बहुत इजीली. इसी तरीके से क्यूब, INDवेल्थ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत ही इजी तरीके से आपको अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको
सिमिलर टाइप के और इंस्ट्रूमेंट्स में कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, सो आप बहुत ही इजी स्टेप्स में आप अपना केवाईसी करिए, आप अपना अमाउंट बताइए, आप सेलेक्ट करिए आउट ऑफ अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए. सो ये टेक्नोलॉजी एक रोल सॉल्व कर रही है क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स क्योंकि बहुत कम है, उनको निवेशकों को रीच करने के लिए एक मिनिमम मतलब हर एक का टाइम लिमिटेड है, तो एक आपको अगर सर्विस देनी है तो आपको एक मिनिमम फीस एक्सपेक्टेशन होती है प्रोफेशनल्स की. बट टेक्नोलॉजी से आप क्या करते हैं कि आप मल्टीपल लोगों तक रीच आउट करते हैं और उनको एक अच्छी एडवाइस दे पाते हैं. सो आज हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जो स्मॉल केसेस है. सो स्मॉल केस एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स ETFs प्रोवाइड कराता है और ये सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कराते हैं. स्मॉल केस में अराउंड 120 सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अलग अलग स्मॉल केस प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इक्विटी में अगर आपको या स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कैसे आज की डेट में पार्टिसिपेट करते हैं. तो आज की डेट में आप म्यूचुअल फंड्स को अब जरिया बनाते हैं इन्वेस्ट करने का, या आप डीमैट अकाउंट खोल के खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बी इट थ्रू योर ओन रिसर्च या फिर आप किसी के एडवाइस से इन्वेस्ट करते हैं अपने स्टॉक मार्केट में, या फिर आप मैनेज पोर्टफोलियोज या जैसे PMS आपको अपॉइंट करते हैं पैसा मैनेज करने के लिए. स्मॉल केस से क्या होता है कि आपको जैसे अगर ETF बेस्ड स्मॉल केस लेना है तो ETF आप अपना उसमें स्मॉल केस खुद बना सकते हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनका स्मॉल केस सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपको स्टॉक बेस्ड स्मॉल केस लेना है सो आप स्टॉक बेसिस वहां 200 से ज्यादा स्मॉल केसेस उपलब्ध हैं 120 से ज्यादा प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल द्वारा, आप उसमें से सेलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से आप पर्सनलाइज्ड मैनेज स्टॉक स्मॉल केसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्मॉल केसेस. सबसे पहले जानते हैं कि स्मॉल केसेस होता क्या है. सो स्मॉल केस एक रेडीमेड बास्केट ऑफ स्टॉक्स है या ETFs. सो इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जो या तो किसी सेक्टर या किसी मार्केट थीम या किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनाया जाता है. ये इन्वेस्टमेंट आप अपने डीमैट अकाउंट में करते हैं, मतलब आपके अपने ब्रोकर अकाउंट से पैसा जाता है और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं. सो आपका कंट्रोल आपकी इन्वेस्टमेंट पे रहता है. थ्रू स्मॉल केस आप इस एडवाइस का फायदा उठाते हैं और उस रेगुलर एडवाइस को आप फॉलो करते हैं. ये सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको इस इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं. सो ये स्मॉल केसेस है किसके लिए. स्मॉल केसेस नए इन्वेस्टर्स के लिए है क्योंकि उनके लिए समझने में बड़ी आसानी होती है, उनको उनकी एंगेजमेंट स्टॉक मार्केट में इंक्रीज होती है क्योंकि उनको प्रोफेशनल्स रेगुलरली एडवाइस करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत आसानी से और अच्छे से स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही वेल रिसर्च प्रोफेशनल है. सो जैसे कहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम करना है आप जो कोर है जो प्रोफेशनल है उसको दीजिए. सो स्टॉक मार्केट भी वही है कि आप जो प्रोफेशनल उस पर रेगुलरली रिसर्च कर रहा है, रेगुलरली उनको ट्रैक कर रहा है, उनके लिए मैनेज करना या उनके लिए चीजों को गाइड करना बेटर रहता है इन्वेस्टर के लिए. इवन एग्जिस्टिंग स्टॉक इन्वेस्टर्स भी स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बेटर क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं या बेटर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मिल जाते हैं थ्रू स्मॉल केसेस, और आप अलग अलग थीम्स में अपने अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. सो स्मॉल केसेस के बेनिफिट्स क्या क्या है. जैसे हम देखेंगे कि स्मॉल केसेस के थ्रू आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपना रिस्क लो कर सकते हैं. स्मॉल केस में मिनिमम 2 से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं. सपोज करिए एक अनुमान एक 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 पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई हो जाता है और उसमें आप आपका
कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं आता, और क्योंकि कुछ सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स कभी चलते हैं, कुछ सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स कभी चलते हैं, और हर इंडस्ट्री या हर कंपनी अपनी साइकिल से गुजरती है. सो एक पोर्टफोलियो होना एक अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो अच्छे वेल्थ स्ट्रैटेजी की निशानी है. वॉरेन बफे एक बड़ी फेमस लाइन बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो स्टॉक मार्केट में अगर आप एक ही जगह अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो वहां पे रिस्क ऑफ लूजिंग मनी बढ़ जाता है. सो आप थ्रू अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं थ्रू स्मॉल केसेस. ये क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है जैसे मैंने बताया, और इंडिया में बहुत ही कम सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं. और यूजुअली आप स्मॉल केस में रिटर्न्स भी देखेंगे तो नॉर्मल आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रिटर्न्स देखें या अपने ऑन एन एवरेज अगर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर्सनल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो रिटर्न्स देखेंगे सो यहां पे ज्यादा रिटर्न्स होते हैं. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आपके खुद के डीमैट अकाउंट्स में हो रही है तो आपका कंट्रोल आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे काफी ज्यादा होता है. सो क्योंकि आपका कंट्रोल ज्यादा है तो आप कभी भी पोर्टफोलियो से आपको एग्जिट लेना है, आपके डिविडेंड्स जो हैं वो आप ही के अकाउंट में आते हैं, आपके शेयर्स जो हैं वो आप ही के अकाउंट में आते हैं, आपके ऊपर है कि आपको उस एडवाइस को, वो पोर्टफोलियो एडवाइस जो स्मॉल केस में आ रही है वो आपको एडवाइस को फॉलो करना है कि नहीं करना. हालांकि कहा यह जाता है कि आपको वो एडवाइस जैसे प्रोफेशनल गाइड कर रहा है वैसे ही फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आपका डिस्क्रिशन होता है. सो आप कैसे पोर्टफोलियो को स्मॉल केस के थ्रू आप पोर्टफोलियो को अलग अलग तरीके से चुन सकते हैं. जैसे अगर आपको फ्री पोर्टफोलियोस चुनने हैं तो वहां पे फ्री पोर्टफोलियोस भी हैं. कुछ प्रोफेशनल्स वहां पे फीस चार्ज करते हैं अपनी पोर्टफोलियो एडवाइस देने के लिए, जो मंथली हो सकती है या क्वार्टरली हो सकती है या ईयरली हो सकती है. सो उसके अलावा आप चुन सकते हैं कि जैसे मेरे को 5,000 रुपए लगाने हैं कि 25,000 रुपए लगाने हैं कि 1,00,000 रुपए लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंग किसका किस पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं. उसके अलावा आप वॉलिटिलिटी के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं कि मेरे को लो वॉलिटिलिटी वाली इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि हाई वॉलिटिलिटी वाली इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि मीडियम वॉलिटिलिटी की इन्वेस्टमेंट्स करनी है. उसके अलावा आप अलग अलग थीम्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मुझे डिविडेंड वाले इन्वेस्टमेंट्स करनी है या मुझे मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इन्वेस्टमेंट करनी है कि या मुझे ESG जो एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के बेसिस पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है. सो आप अलग अलग थीम्स के बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो स्मॉल केसेस में 200 से ज्यादा पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं जैसे मैंने बताया. आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग पोर्टफोलियोज में इवन पिछले एक साल के रिटर्न्स 150% से भी ज्यादा रहे हैं. हालांकि पिछला एक साल मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा है बट लेकिन प्रोफेशनल्स की गाइडेंस से काफी फर्क पड़ता है और टेक्नोलॉजी से वो वर्ड काफी फैलता है लोगों तक. सो ये फायदा है एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का इन स्टॉक मार्केट्स. सो स्मॉल केस के और क्या फीचर्स हैं? सो आपको स्मॉल केस हेल्प करता है कि आप अपने तरीके से अपना फिल्टर्स लगा के आपको जो बेस्ट स्मॉल केस चुनना है आप चुन सकते हैं. आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आपकी क्या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क क्या आ रही है, आपके जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या न्यूज हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं. आपको उसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है उस पोर्टफोलियो में आप वो कर सकते हैं. आपको इन्वेस्टमेंट अपनी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है आप वो कर सकते हैं. आपको एडिशनल SIP करनी है आप बड़ी इजीली क्लिक करके SIP कर सकते हैं. आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, जैसे 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइड किया गया और आप उस 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो में से आपको एडवाइजर ने बोला कि आप 2 स्टॉक्स को बेच दीजिए और इन 2 स्टॉक्स की जगह कोई और 2 स्टॉक्स ले लीजिए, तो आप उस एडवाइस को क्लिक ऑफ अ बटन फॉलो कर सकते हैं.
आप स्मॉल केस के थ्रू अपना पोर्टफोलियो का हेल्थ चेक कर सकते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, उसमें क्या रिटर्न्स आ रहे हैं. आप मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को थ्रू दिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन. सो अगर आपको स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सेबी बोलती है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको अपना केवाईसी करना होता है. सबसे पहले आप अपना नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर बताते हैं. उसके बाद आप अपने ब्रोकर के क्रेडेंशियल्स, जैसे आप अनुमन इंडिया में जो भी ब्रोकर्स हैं, आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल मार्केट्स में. आप अपने ब्रोकर के क्रेडेंशियल से को प्रोवाइड करा सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से क्या होता है कि आपका ब्रोकर का जो अकाउंट है वो आपके आपके स्मॉल केस के अकाउंट से लिंक हो जाता है. आपको जो भी एडवाइस आती है आप क्लिक करके एक ही क्लिक में वो पूरी पोर्टफोलियो को आप अपने ब्रोकर अकाउंट से बाय कर सकते हैं. इसके अलावा उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपका पैन नंबर, आपका डीओ डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर. उसके बाद आपकी एक रिस्क प्रोफाइलिंग होती है. रिस्क प्रोफाइलिंग क्या हेल्प करती है आपकी? रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको पता चलता है कि क्या मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, क्या मैं एक लेस एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, क्या मुझे हाई वॉलिटिलिटी वाली इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्या मुझे लो वॉलिटिलिटी वाली इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. उसमें उससे आप आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग से आपकी इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस होती है. आप रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं. उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है. आपको या ETFs में इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको किस थीम के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है. और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इधर आप फ्री पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप पेड पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हैं. ETFs क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ETFs क्या होता है. ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू आप या तो आप जैसे मेरे को लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना है, मेरे को मुझे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो एक आपको 4-5% उसमें रिटर्न आता है, तो वो पोर्टफोलियो ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को आप बाय कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट एज एन ETF. लाइकवाइज अगर मेरे को गोल्ड में निवेश करना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं गोल्ड में सीधा जाके मैं बाजार से गोल्ड खरीद लूं, फिजिकल गोल्ड खरीद लूं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू या कैपिटल मार्केट के थ्रू गोल्ड में पार्टिसिपेट करूं. ETFs के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप कैपिटल आप जाके ETFs खरीद सकते हैं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड रहती हैं. आप कभी भी उन इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हैं. आपको उन इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट करके एक दिन या दो दिन में मैक्सिमम पैसा वापस आ जाता है. आपके लिए बड़ी आसानी रहती है इन्वेस्ट करने के लिए. एक ETF एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कैपिटल मार्केट में. स्मॉल केस ETFs को भी सपोर्ट करता है. उसके बाद आप जब आपने सेलेक्ट किया थ्रू स्मॉल केस आपका सब्सक्रिप्शन प्लान, उसके बाद आपको वो पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स या लिस्ट ऑफ ETFs आ जाती है. आप उसमें से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये क्लिक करके अमाउंट बता सकते हैं कि मुझे इतनी मिनिमम अमाउंट करनी है या मुझसे इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपके ब्रोकर जो लिंक्ड आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है. इंडिया में जैसे हम जानते हैं कई सारे ब्रोकर्स हैं, बट कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं वर्सेस अदर्स. जैसे कुछ नाम लिया जाए, जीरोधा, अपस्टॉक्स, IIFL, कोटक सिक्योरिटीज, ICICI. कुछ ब्रोकर्स काफी पॉपुलर हैं जो इंडिया का 90% ऑफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री कैप्चर करते हैं. थ्रू स्मॉल केसेस आप इन इन ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स है, जो सभी लार्ज ब्रोकर्स हैं,
आप उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो आज हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में दौर से गुजर रहे हैं जहां पे हमारा खाना, हमारा हमारे कपड़े, हमारी शॉपिंग सब कुछ ऑनलाइन हो रही है. और उससे उससे अगर हमारी कंजम्पशन जो है उसमें हमें काफी फायदा भी होता है कि एक तो हमें बड़ी कन्वीनियंस हो जाती है, हम बेस्ट से बेस्ट चॉइसेस मेक कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट कई कई इंस्टेंसेस में बहुत कम हो जाती है. सो टेक्नोलॉजी कैपिटल मार्केट्स में भी एक काफी वाइटल रोल प्ले कर रही है और आगे आने वाले समय में भी काफी वाइटल रोल प्ले करने वाली है. सो आज के सेशन के जरिए मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता था कि आप एज अ निवेशक इन इन जरियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्हें अपना सकते हैं और कैपिटल मार्केट में एक एक सेफ, एक सुरक्षित, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं. नमस्कार.